आइए आज हम जमा चारों मजमून इल्मे रियाजी सबक नंबर 11 पैमाइश। इस सबक में मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर इन इकाइयों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। हमने इस सबक के तमीजी वीडियो में देखे कि हमें छोटी चीजों का जो है फासला नापने के लिए, छोटी चीजों की लंबाई और चौड़ाई नापने के लिए जो है हम छोटी इकाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जैसा सेंटीमीटर और मीटर का हम इस्तेमाल करते हैं। मगर एक शहर से दूसरे शहर जब हम जाते हैं तो वो फासला जो है नापने के लिए या बड़ा फासला नापने के लिए जो हम किलोमीटर इस इकाई का इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे कि फर्ज करो कि हमें यहाँ पर ये कंघा दिया हुआ है और हमें कहा जा रहा है कि इसकी जो है लंबाई हमको नापना है, तो इसकी लंबाई जो हमें स्केल पट्टी की मदद से आसानी से नाप सकते हैं। अगर कभी हम स्केल पट्टी का मुशाहिदा करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें जो नंबर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर इस तरीके से 1, 2, 3 और आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 10 लगी है बनी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। यानी कि ये 1 से लेकर 2 के दरमियान का जो ये फासला है ये कहलाएगा हमारा सेंटीमीटर, यानी ये 1 सेंटीमीटर हुआ। इसी तरीके से 1 सेंटीमीटर के अंदर अगर कभी हमें छोटी लकीरें गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी 1 सेंटीमीटर में जो हमारे कितने मम होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर के अंदर हमारे 10 मम होते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मम और इन मम को जो है हम सम भी कहते हैं। ये छोटा फासला नापने के लिए जो है हम इन छोटी इकाइयों का जो इस्तेमाल करते हैं। अगर कभी हमें बड़ा फासला नापना है तो बड़ा फासला नापने के लिए जो हम किलोमीटर का इस्तेमाल करेंगे, जैसा ये छोटी पट्टी का इस्तेमाल हम करेंगे छोटा फासला नापने के लिए, इसी तरीके से हम ये बड़ी पट्टी की मदद से भी जो हमारे कदमों का फासला या और थोड़ा बड़ा फासला जो है हम नाप सकते हैं। ये बड़ी पट्टी की मदद से जो देखिए ये 1 हिस्सा हो गया, 2 हिस्सा हो गया और ये 3 हिस्सा हो गया, यानी इसकी मदद से भी हम थोड़ा बड़ा फासला नाप सकते हैं। इसी तरीके से ये जो टेप है आपने देखा होगा कि कपड़े वगैरह भी हम जो इससे गिनते हैं, नाप कर जो है देते, इससे भी हम जो है फासला नाप सकते हैं। देखिए मगर बड़ा फासला नापने के लिए जो है ये इन चीजों का जो इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। बड़ा फासला नापने के लिए हम जो है किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं और किलोमीटर नापने के लिए जो है ये आला जो है हमारे लिए कारगर साबित नहीं है। छोटा फासला नापने के लिए हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखे कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर जो है ये कितने मीटर के बराबर होता है, 1000 मीटर के बराबर होता है। और आप सभी को पता है कि 1 मीटर जो है ये 100 सेंटीमीटर के जो बराबर होता है, यानी बड़ा फासला नापने के लिए हम किलोमीटर का इस्तेमाल करेंगे, छोटा फासला नापने के लिए हम सेंटीमीटर या फिर सम का जो इस्तेमाल करेंगे।